नीतीश कुमार एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, 13 साल से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन आज तक उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा है। यहाँ तक कि विपक्ष भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा पाया है। लेकिन नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाए जाने के बावजूद और अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद भी अगर भ्रष्टाचार कायम है तो एक बड़ा सवाल है। सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार रूप नहीं पा रहा है, यानी 1 दर्जन से बड़े नौकरशाह के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक ये दावा नहीं कर सकती है सरकार की भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है। और अभी जो सिटी पोस्ट के हाथ एक तस्वीर लगी है, एक वीडियो लगा है, उससे तो साफ जाहिर हो जाएगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक किस स्तर पर खुलेआम भ्रष्टाचार है, रिश्वत का लेन देन हो रहा है। और सबसे गंभीर बात यह है कि जो गरीब मजदूरों के हक का पैसा है उसे लूटा जा रहा है नौकरशाहों द्वारा। इस तस्वीर में साफ दिखाया गया है कि किस तरह से सरेआम पंचायत के संवेदक उप मुखिया रिश्वत दे रहे हैं रोजगार सेवक को, और ये रोजगार सेवक वसूली कर रहा है किसके लिए? बिहार सरकार के बड़े अधिकारियों की। तो बिहार सरकार के बड़े अधिकारियों के लिए मनरेगा योजना के तहत वसूली का काम ठेकेदारों से, मुखिया से, उप मुखिया से रोजगार सेवक कर रहा है, ये तस्वीर सामने आई। जाहिर है कि जो गरीबों के हक का पैसा है उसकी लूट हो रही है। ये लूट कैसे होती है जरा समझ लीजिए। और ये मनरेगा है क्या? आपको पता होगा कि जो गरीब मजदूर हैं साल में उनको 100 दिन कम से कम काम मिले, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी यूपीए सरकार की, जो मोदी सरकार भी इसको आगे बढ़ा रही है। तो 100 दिन काम देना था, यहाँ काम 5 दिन भी नहीं मिलता है मजदूरों को। ठेकेदार क्या करता है कि जैसी भी हायर करके, कहीं अगर तालाब खोदना है तो जैसी भी से खुदाई करवा लेता है, जबकि उसे मजदूरों से खुदवाई कराना है ताकि उनको रोजगार मिले। लेकिन 5,000 का जैसे भी हायर करके वो 50-100 मजदूरों का काम करा लेता है। तो 5,000 रुपये में काम उसका हो गया और 100 मजदूरों की मजदूरी वो लूट लेता है। और इस तस्वीर में साफ दिखाया गया है कि किस तरह से ये रोजगार सेवक फर्जी जॉब कार्ड या मजदूरों के जॉब कार्ड लेकर मजदूरों को 500 से 1,000 रुपया दे रहा है, और 500 1,000 रुपया दे करके उसको संतुष्ट कर दिया कि आपने कोई काम नहीं किया, केवल जॉब कार्ड दिखा दिया, उसके एवज में आपको 500 1,000 रुपये मिल गए। मजदूर भी खुश, उसको नहीं पता है कि उसके 100 दिन की मजदूरी लूटी जा रही है। उसे 100 दिन काम नहीं मिला और उस 100 दिन की मजदूरी अधिकारी लूट रहे हैं। वो 500 1,000 रुपया में खुश हो जाता है गरीब, लेकिन उसको 500 1,000 रुपया दे करके ये 40 से 50 हज़ार रुपया जो उसकी मजदूरी है, 100 मजदूरों की मजदूरी है, उसको नौकरशाह लूट लेते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। ये तो एक जिले की एक छोटी सी तस्वीर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में 38 जिले हैं, सैकड़ों प्रखंड हैं, हर प्रखंड में मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, 1,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। क्या ये मजदूरों को मिल रहे हैं? क्या ये मजदूरों को काम मिल रहा है बिहार में? जी नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि मनरेगा जो योजना है बिहार में घपले घोटाले की भेंट चढ़ गई है, और अधिकारी बिल्कुल डर नहीं रहे हैं भ्रष्टाचार करने से, खुलेआम रिश्वत वसूल रहे हैं। और इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि किस तरह से एक उप मुखिया से जो रोजगार सेवक है बाबू के नाम पर, अधिकारी के नाम पर रिश्वत वसूल रहा है। तो ये भरपाई कैसे? उप मुखिया अपने घर से तो देगा नहीं, वही हाजिरी बनाता है मजदूरों का। तो हाजिरी बना देगा, 100 दिन 100 जॉब कार्ड लाएगा मजदूरों से मांग कर, 100 मजदूरों की हाजिरी बन जाएगी, सरकारी बाबू उसके आधार पर बिल भी भुना लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उस मजदूर को 500 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलता और उसके 100 दिन की मजदूरी ये नौकरशाह लूट लेते हैं। तो ये तस्वीर दिखाने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार के लाख कोशिश के बावजूद नौकरशाहों में डर नहीं है और लूट खसोट जारी है। और सबसे दुखद बात यह है कि गरीबों की जो हक का जो स्कीम है, हक का जो पैसा है, उसे नौकरशाह लूट रहे हैं, खुलेआम लूट रहे हैं। तो इस लूट को रोकना पड़ेगा। ये ना हो कि नीतीश कुमार की जो ईमानदारी है वही इन बेईमानों के लिए प्रोटेक्शन की छतरी बन जाए।
मनमोहन सिंह भी ईमानदार प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी ईमानदारी की छतरी के नीचे भ्रष्टाचार के कीड़े महामारी बनने के लिए कुलबुला रहे थे। तो कहीं ईमानदारी ऐसी छतरी न बन जाए कि उसके नीचे भ्रष्टाचार के कीड़े महामारी बनने के लिए कुलबुलाने लगे। तो ये महामारी ही है, भ्रष्टाचार महामारी ही है। तो कहीं ये भ्रष्टाचार महामारी का रूप न धरे, नीतीश कुमार को और सख्त होना पड़ेगा और ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों को सबक सिखानी पड़ेगी। और वैसे भी नीतीश कुमार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही जाने जाते हैं। धन्यवाद।